दोस्तों नमस्कार, अनोखा ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्रो रेसलिंग के मैचों को हमेशा से कॉमिक बुक के हीरो और विलेन के बीच की लड़ाई की तरह देखा जाता है। दोस्तों, रेसलिंग फैंस अपने पसंदीदा रेसलर को चेयर मिलते हुए उनकी उपलब्धियों को रोजाना देखते हैं दोस्तों। लेकिन रेसलिंग किरदारों की विशेषता उनके जीवन की भावनाओं के साथ जुड़ी हुई हो सकती है। कभी हार न मानने वाले, दूसरों से जलने वाले, हल्के दिल वाले और यहाँ तक डरावने भी। दोस्तों, डरावने रेसलर्स को दिखाना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि अक्सर वे तेजी से एक मजाक में बदल दिए जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 3 हफ्ते पहले रोमन रेंस ने रो में अपनी बीमारी के बारे में दुनिया को अवगत कराया। रोमन रेंस द्वारा कही गई बातों की वजह से लाखों फैंस का दिल टूट गया। दोस्तों, लुकुमिया एक तरह का ब्लड कैंसर की वजह से रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप छोड़ दिया है और अब लंबे समय के लिए कंपनी से दूर हो चुके हैं। दोस्तों, यदि आप भी रोमन रेंस के सच्चे फैन हैं तो इस वीडियो के 10,000 लाइक जल्द से जल्द पूरे कराएं, ताकि हम आपको रोमन रेंस से जुड़ी पल पल की जानकारी आपको देते रहें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आइए जानते हैं WWE इतिहास के 5 सबसे डरावने रेसलर्स के बारे में। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 5 की, केन। बिना किसी शक के केन डेनियल ब्रायन के साथ नोनो चिल्लाते हुए काफी अजीब लगते हैं। हालांकि उनका डेब्यू इससे काफी अलग है। अंडरटेकर और सोन माइकल के बीच हेल इन द सेल मैच के बाद इनके डरावने किरदार को लोगों के सामने लाया गया। और दोस्तों, WWE ने उन्हें अपने रन के दौरान काफी अच्छी तरीके से बुक किया था। केन 2 दशकों से फैंस को एंटरटेन करते आ रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 4 बोगीमैन की। दोस्तों, बोगीमैन प्रेजेंटेशन का एपिसोड काफी यादगार था, लेकिन चोटिल होने के कारण उनके डेब्यू में थोड़ी देरी हो गई। दुर्भाग्यवान शुरुआती समय में लोगों को इनका किरदार किसी कॉमिक ड्रामा की तरह लगने लगा था। दोस्तों, पूरे शरीर की पेंटिंग और कीड़ों को खाने वाले बोगीमैन अपने किरदार से सबको डरा रहे थे। कुछ देशों में लोग कीड़े खाते हैं और यह पौष्टिक भी हो सकते हैं। हालांकि एक रेसलर के मुंह में कीड़े को देखना किसी को भी डरा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं नंबर 3 जैक रॉबर्ट्स की। दोस्तों, जैक रॉबर्ट्स 1980 के दशक में WWE में थे। वे पतले थे, कैमरे के सामने काफी आराम से बात करते थे, फैंस को अपनी पहेलियों से एंटरटेन करते और बिजली की तेजी से एक भयंकर दिखने वाला DTT भी देते थे। दोस्तों, हालांकि अपने डरावने रूप के बावजूद उन्हें चेयर मिलती थी। एक समय वह इतने मशहूर थे कि होगन ने भी उनका सामना करने से मना कर दिया था, केवल इस डर से कि फैन उनकी हुटिंग करेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 2 मिक फोली की। दोस्तों, मिक फोली को गहराई से उठाया गया और एक ऐसा चरित्र दिया गया जिसने उन्हें काफी भयानक बना दिया। फोली अपने समय में कई टाइटल और शो को हेडलाइन करते थे। दोस्तों, दूसरे रेसलर के मुकाबले उनका कैरियोग्राफ जल्दी नीचे आ गया था, जिसके बाद उन्हें दूसरा किरदार दिया गया। मानवता ने उनके किरदार को डर में बदल दिया था। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 1 द अंडरटेकर की। द अंडरटेकर के कारण WWE पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा। इनके कारण फैंस का भरोसा WWE पर बना और मैकमैन ने इनके किरदार को काफी अच्छी तरीके से बनाया। दोस्तों, इन्हें हल्क होगन और वॉरियर जैसे टॉप रेसलर पर बेरहमी से हमला करने का भी मौका दिया गया था। दोस्तों, द अंडरटेकर समय के साथ साथ WWE इतिहास के सबसे मशहूर रेसलर बन गए। अंडरटेकर का किरदार WWE के मार्केट में छा गया और उन्होंने रेसलिंग फैंस में थोड़ा डर भी पैदा किया। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे डरावना किरदार किसका लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। और दोस्तों, आप भी भगवान से प्रार्थना करें कि रोमन रेंस जल्द से जल्द ठीक होकर WWE में नजर आए। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल अनोखा ज्ञान को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे Facebook पेज अनोखा ज्ञान को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।